तो नमस्कार भैया जी, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो के शुरुआती दौर में क्या है ना, वो कुछ हादसा हो गया और हादसा कुछ इस प्रकार हुआ कि हमारे माइक ने हमारी मधुर वॉइस रिकॉर्ड नहीं करी, जिसके कारण वीडियो कुछ ये बनी। अरे रुको रुको रुको, उस शुरुआती दौर में माइक ने गड़बड़ करी थी ना, करके आखिरी तक। वैसे भैया जी क्या है ना, अभी हम एक ट्रिप पर गए थे तो वहीं से हमारा गला बैठा हुआ है, और जो भैया जी हमको इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन भैया जी को तो पता ही होगा कि हम कहां पर गए थे, और जिन भैया जी को नहीं पता उनको इस वीडियो में पता चल जाएगा, और जिन भैया जी ने अभी तक हमें फॉलो नहीं करा वो अब जाके कर ले, ताकि अगली ट्रिप भी आपको सबसे पहले पता चले। तो चलिए, हमने आपको इंपॉर्टेंट बात तो बताई थी कि ये ट्रिप का व्लॉग है। चलो बातें बहुत हो गई, अब इस व्लॉग को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इनसे मिलिए, ये है हमारी बहना जो कि इस ट्रिप पर हमारे साथ शामिल हो रही है। भाई मम्मी को भी बाय बाय करते हुए, मम्मी के आशीर्वाद लेते हुए, मम्मी तुम्हारी यात्रा सफल करें भाई। मम्मी से आके मिलेंगे अब, ठीक है? अब ध्यान रखना अपना, ठीक है? हम तो रख ही लेंगे बड़े हो गए, बड़े से हम कितने भी बड़े हो जाए भाई, मम्मी से हमेशा छोटे रहेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना और अच्छे से जाना, चढ़ाई अच्छे से करना। मैं भी, अरे चढ़ाई कहाँ बोल दिया, अभी नहीं बताना था ना इनको। भाई भाई कोई नहीं, अभी तुम गैस करो कि हम कहाँ जा रहे हैं। चढ़ाई की बात हुई है तो अभी किसी ट्रैक पे जा रहे हैं, अब वो तुम्हें गैस करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और भाई हमारे साथ अभी कौन है दिखाऊं, ये हमारी छोटी बहन निकिया, चलें भाई लेट्स गो। इनसे मिलो, ये हमारे रोहित भाई, मैं तो पहले मिल चुका हूँ, आप लोग मिलो। आपको याद होगा जब हम जगन्नाथपुरी गए थे तो भाई भी हमारे साथ गए थे, और हम जा रहे हैं इन्हीं की गाड़ी में। नंबर दिखाना है क्या? दिखाना है नंबर? दिखा दे, दिखा दे। ये देखो भाई, भाई का नंबर 10006। और भाई अभी हम आपको एक और शख्स को दिखाते हैं जो भी ठीक तेरे रावा से खाना लेने गए हैं हमारे लिए। आ गए आ गए आ गए, आ रहे हैं आ रहे हैं। पेटी भी लाए हैं क्या? हाँ पेटी भी लाए हैं, पल्पी ऑरेंज की, जो कि भाई एक नंबर है। मिलो, ये रहे हमारे चाचा जी पल्पी ऑरेंज की पूरी पेटी लाते हुए। रेडी हैं आप सारे? रेडी, लेट्स गो। और जहाँ कहाँ रहे हैं हम लोग नहीं बताना अभी, ये तो सरप्राइज है इनके लिए। भाई अब करा रहे हैं टैंक फुल, तो अब देखते हैं भाई कितने का पेट्रोल आता है टैंक फुल में। 3110 रुपए का पेट्रोल आया, डन है भाई, बढ़िया। तो भाई अभी गए हैं चाचा कूलेंट वगैरह लेने, क्योंकि अभी हम जिस पेट्रोल पंप पे रुके थे वहाँ पे कूलेंट खत्म था, गाड़ी में भी कूलेंट थोड़ा सा बचा है तो लेके आ रहे हैं चाचा। और कूलेंट क्या होता है? ओह माय गॉड, किसको ले आए हम साथ में अपने? अरे हाँ तुम्हें यार एक ना सीन बताना है, हमारे साथ और भी एक दीदी जा रही थी बट उनका कैंसिल हो गया, उनकी फैमिली वालों ने मना कर दिया, कुछ रीज़न रहा होगा, पर्सनल तो भाई शेयर नहीं कर सकते, उनका रीज़न रहा होगा, बाकी कोई नहीं यार। कहते हैं ना जिनका बुलावा नहीं आता वो कितनी कोशिश कर लो नहीं जा पाते, ये कहते नहीं कि सबकी किस्मत में लिखा होता है जो होना होता है, तो भाई सेम दीदी के साथ भी ऐसे था बट वो दीदी आ नहीं पाई। मेरे को पता है वो दीदी ब्लॉग देख रही है हमारा, तो कोई नहीं दीदी आपको मिस कर रहे हैं हम। फिर चल रहे मैच और टाइम हो रहा है 6-6 विकेट विकेट ये भाई, ये मैच के दोनों शौकीन हैं, मैं उतना नहीं हूँ, बट हम यहाँ पे खाना खाने रुके हैं। भाई पूड़ी हम घर से पैक करा के लाए थे, वो भी इसमें ये लड्डू है फुल चीनो। ये कौन सी सब्जी है? चना मसाला। चना, ये चना मसाला, ये शाही पनीर है, ये चना मसाला है। बाहर हम खाना पीना खाएंगे, मैं थोड़ा गाड़ी में व्लॉग बनाने आया हूँ, खाना पीना खाते हैं फिर आपको मिलते हैं। ये रहा अक्षदाम, कितना प्यारा लग रहा है रात में, बट अभी बंद होगा, हल्का फुल्का दिख रहा है, ज्यादा लाइटनिंग नहीं है। और भाई चाचा ने मेरे को अभी बताया है कि इस जो ये वाला जो हाईवे है ना इस पे बाइक नहीं अलाउड, बट ये चल रही है, इसका चलान कट सकता है। स्कूटी चला रहा है वो, चलान कटेगा छोड़ जाएगा और क्या, खुद 10,000 की स्कूटी नहीं होगी। कोई नहीं भाई, जितने की भी हो। आ गए अभी टोल पे, पहला टोल है हमारा मेरठ का टोल है, मेरठ टोल, मेरठ हाईवे का पहला टोल है ये हमारा। बस अब ठीक है और कुछ फास्ट टैग से कटेंगे वैसे अपने। अरे ठीक है मेरे, सरकार का टोल है भाई ये, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। देखो भाई अपने आप प्राइवेट, ओके ओके नेशनल हाईवे। अरे आप बता लो, बताओ बता। देखो भाई अपने आप खुल गया। तो भाई अभी एक और टोल आया है, हम यहाँ रुके हैं थोड़ा सा रेस्ट रेस्ट लेने। ये रे भाई फुल मजे काटते हुए, फुल अभी नहीं पता हम कहाँ पे आए हैं, आए कहाँ पे मीन्स कौन से रास्ते है, नेशनल हाईवे पता नहीं कौन सी जगह है, रुके हुए हैं यहाँ पे। मुजफ्फरनगर का टोल चाहिए, कहाँ है? शायद मुजफ्फरनगर का टोल है, कन्फर्म नहीं पता कहाँ का है। बाकी चाचा नींद पूरी कर रहे हैं थोड़ी सी, बस
और क्या, बस गाड़ी चलाने वाले हमारे ये भाई साहब हैं, क्योंकि मेरे को आती है बट मैं ऐसे रोड पे वही परफेक्ट नहीं हुआ तो नहीं चलाऊंगा भाई, रिस्क नहीं लेना हमें, जिन सेफ घर पहुँचना एकदम। गाड़ी यार गर्म हो गई है। नहीं, हम पहुँच चुके हैं अभी हरिद्वार में, हरिद्वार एंटर कर चुके हैं, 5 मिनट हो गए हमें एंटर करे हुए। ये देखो भाई नज़ारा, हाय 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 हाय, ओम नमः शिवाय। चलना भाई सीधा ही चल। क्या प्यारा लग रहा है ना भाई हरिद्वार। ओ भाई साहब कितना सही लग रहा है, पहुंच गए भाई, देखो मत, पहुंच गए हरिद्वार। कावड़ उठाते हैं घंटा घर है सामने भाई, भैया कावड़ लेके जाते हैं तो यहीं से लेके जाते हैं। ये बांध बना रखे है ना, एक ही हुला है भी तो बांध। अच्छा भाई साहब, ये रहे हमारे महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई कमेंट कर देना सारे हर हर महादेव। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा इग्नोर करना, कितने प्यारे लग रहे हैं ना महादेव। तो भाई अभी रुके हैं हम अपने महादेव जी के पास, थोड़ी सी इनसे मुलाकात करने, कितने प्यारे लग रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई साहब ये ब्रिज भी बड़ा प्यारा सा लग रहा है। हाँ क्या करेंगे अंदर जाके, स्वामी विवेकानंद पार्क। ये रहा भाई रुड़की विकास, जाए अंदर रहने देते हैं भाई। भाई भैया तो चल पड़े, चल लेते हैं हम भी। ओ भाई अरे इस साइड चलते हैं ना। ओए होए 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 भाई, इधर का नज़ारा तुम्हें दिखाऊं यार, रात हो रही है भाई, दिखेगा नहीं शायद थोड़ा, बट भाई पानी बहता हुआ साउंड सुनना बस तुम एक बार। ओए होए 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 यार, इतना प्यारा लग रहा है ना, क्या बताऊं यार। भाई साहब इतना सुकून है ना यार कसम से। तो भाई अब दिखाता हूँ तुम्हें, महादेव जी के सामने मैं खड़ा हूँ बिल्कुल जस्ट। भाई बड़े प्यारे लग रहे हैं, थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स देखो तुम यहाँ के, फिर बताना कमेंट करके बताना कैसे लगे तुम्हें वो शॉट्स, ठीक है। अब तुम देखो शॉट्स। बताना सिनेमैटिक शॉट्स कैसे लगे, ज़्यादा नहीं लिए मैंने क्योंकि थोड़ा यहाँ पे ना आके फील करने वाली चीज़ है, ऐसा मतलब कोई वो नहीं है कि मतलब यहाँ पे आके फील करो वो चीज़ें, वो फ़ोन में दिखा नहीं पाते, फ़ोन में समझा नहीं पाते जो चीज़ यहाँ पे हम फील कर सकते हैं, है ना। कितना प्यारा लग रहा है, रोशनी मिस कर रही होगी। ओए हाँ यार बेचारी रोशनी थी, वो ये चीज़ थोड़ा मिस कर रही है, कोई नहीं भाई, जिसकी किस्मत में होता है ना चला जाते हैं। चले एक आधी फ़ोटो तो खींच लें। यहाँ से शुरू हो गए हैं पहाड़, रास्ता गोल गोल आएगा अभी आगे से, ये तेरी है इस साइड पहाड़ है, ये मुड़ा ये आएगा, ये 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 काट दी काट दी काट दी काट दी, लहरा दी सांप बना दी। ओए ओ भाई ओ तेरी है भाई साहब, ले तेरी भैंस की। ओ भाई भाई चढ़ाई इतनी खड़ी और क्या? ओ भाई यहाँ की आंटी को देखो भाई, पैदल चल रही है मतलब चढ़ाई कर रही है भाई, सल्यूट आंटी को, राम राम आंटी जी। भाई साहब अभी हम एक जगह रुके हैं और भाई यहाँ का अभी हम नीचे जा रहे हैं गंगा मैया के पास। ओ भाई इतना प्यारा नज़ारा ना, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, ये तुम एक बार खुद ही देखो, ये देखो पहाड़। भाई साहब यार चाचा नहा लूं मैं, हैं कहाँ है देवप्रयाग? अच्छा देवप्रयाग पे नहाएंगे अभी, हम जा रहे हैं भाई देवप्रयाग, पहले यहाँ थोड़ी देर वेट करेंगे, रेस्ट वेस्ट लेंगे थोड़ा सा, थोड़ी देर आराम से, फिर उसके बाद जाएंगे देवप्रयाग, देवप्रयाग में आराम से मस्त नहाएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से निकलेंगे एक दूसरी जगह जो कि आपको बाद में बताऊँगा। या भी हमें मिला है भाई यहाँ पे हमारा दोस्त छोटा सा गुरारा, पीछे बैग में पूड़ियाँ फटियाँ कुछ, गाड़ी में बैग नहीं गाड़ी में पूड़ियाँ फटियाँ कुछ, तो सोच रहा हूँ दे दूँ उसको, खा लेगा तो बढ़िया ही है। हम अपने दोस्तों को खिला रहे हैं खाना, अभी आए हैं, लो आराम से भाई आराम से, छोटे वाले को तोड़ के देना पड़ेगा।
रुक जा ले खाले वो रे भाई नहीं है भाई रुक जा भाई पहाड़ी डॉग्स लाइक दिस फील लाइक दिस इतने प्यारे हैं यार प्यारे प्यारे बच्चे ले आना निकल गए हैं भाई अब यहाँ से देवप्रयाग के लिए। चलो भाई बहुत खेल लिया तुम्हारे तुम लोगों के साथ सरप्राइज को मैं बता देता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं सबसे पहले यहाँ से बद्रीनाथ जी के दर्शन करने, वहाँ के दर्शन हम कल करेंगे और जो भी सीन रहेगा पहले वहाँ पूछते हैं, देखते हैं वहाँ चल के बताएंगे आपको। अभी हम रुके हैं चाय नाश्ता करने, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे यहाँ पे, रुकेंगे थोड़ी देर क्योंकि रोज भाई को थोड़ी सी नींद आ रही थी। और भाई यहाँ का नज़ारा दिखाओ यार, हम जहाँ भी रुक रहे हैं ना पता नहीं क्यों इधर अच्छा है। इधर पूरा खाने पीने का है ठीक है, और इधर है ये नज़ारा इतना प्यारा भरा। चाचा कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? नॉर्मल। आप ये भाई घूमते रहते हैं चाचा, वैसे कितनी बार आए हो आप नैनीताल वगैरह इस साइड? इस साइड में देवप्रयाग फोर्थ टाइम आ रहा हूँ। हाँ सेकंड टाइम केदारनाथ दूसरी बार आ रहे हैं और बद्रीनाथ पहली बार है ना भाई। हम बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, हर जगह जाएंगे। वो देखो रोहित भाई को कहाँ पहुँच गए, बहुत ही बढ़िया। आ रहा हूँ मैं भी, आ रहा हूँ। कॉफ़ी आ गई है, मेरी चाय आ गई है, इन लोगों ने कॉफ़ी मंगाई है। लाओ भाई बिस्कुट भाई, मेरी मैंने चाय मंगाई है और इन लोगों ने मंगाई है कॉफ़ी। हो रही रोहित भाई थोड़ी देर बैठते हैं और अभी इसकी मैगी भी मंगाई है इसने, अब जाएगी स्नैप बनाने। पर मैं तो बस ओनली व्लॉग बना रहा हूँ, स्नैप कुछ नहीं। नीचे लड़की है, इसने बस एक स्नैप के लिए एक फ़ोटो के लिए मैगी बनवाई है, खाने किसी को इसको नहीं है, बस बनवा लिए, खाई लेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कहां पर, कहां पर? देवप्रयाग भाई, जहां पे दो नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदियाँ? भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। वो देखो चाचा भैया लगाएंगे कहीं साइड में, लगा लो भैया साइड में। तो भाई हम पहुंच चुके हैं, यहाँ होता है दो नदियों का संगम। अब मेरे को तो नहीं दिख रहा यहाँ से संगम होता हुआ, नहीं दिख रहा। अबे ये जा रही है, मैंने तो कुछ अलग ही सीन देखा था यार, वो यहाँ से दिख नहीं रहा है। एक्चुअली क्या है, वो यहाँ से दिख नहीं रहा है। अभी हम पहले आपको मेन पॉइंट ले जाते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं। भाई देखो यहाँ होता है, तो भाई देखो यहाँ होता है संगम दो नदी का, एक उधर से आती है एक इधर से आती है। दोनों नदियों का नाम भाई वो तो नहीं चल के बताऊँगा कि कौन सी नदी कौन सी है, मतलब अलकनंदा नदी कौन सी है और दूसरी वाली का नाम भूल गया यार मैं, अब नाम भूल गया छोड़ो। और जाना कहाँ यार, वैसे पता नहीं किस साइड जाना है, चलते हैं। पहले तो टॉवल वगैरह ले लिया, आराम से नहाएंगे धोएंगे इंजॉय करेंगे थोड़ा सा नीचे। शेट ट्राईपॉड लाना भूल गया यार, प्रियंका को कॉल करता हूँ। भाई यहाँ ये भागीरथी अलकनंदा, दोबारा अगेन बता दो, ये भाई भागीरथी नदी आ रही है उधर से, आगे से वो डैम बंद कर रखा है तो इसलिए इसमें कम पानी है। केदारनाथ से ये भागीरथी आ रही है, केदारनाथ से, और ये आ रही है अलकनंदा, ये बद्रीनाथ से, ये अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ से। तो पहले हम वैसे बद्रीनाथ जाएंगे आज बद्रीनाथ स्टे करेंगे, बाकी आगे देखते हैं कैसा हमारा प्लान रहता है। और देखो भाई यहाँ मेन संगम हो जाता है, वैसे दोनों का पानी देखो अलग अलग कलर में देखा होगा तुमने जितनी भी रील्स वगैरह होंगी। अभी थोड़ा बारिश का टाइम है, बारिश का मौसम है, तो इस वजह से यहाँ का पानी थोड़ा सिमिलर है दोनों का, देख लो। बाकी अभी अब देखते हैं कहाँ बनाएंगे, ट्राईपॉड तो लाया हूँ मैं, टाइम स्लैब बनाएंगे आराम से अपना बढ़िया तरीके से। और भाई यहाँ पे यहाँ का भाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो हम सोच रहे हैं कि पीछे ना रोहित भाई गए हैं नीचे। और चाचा कुछ बताओ ना, और कुछ यहाँ के बारे में और कुछ बताना। चाचा के भी दांत में, चाचा के भी दांत में दर्द हो रहा है, तो चाचा बोल नहीं सकते भाई। हम वहाँ से आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो मछलियाँ भी हैं, तुम्हें शायद दिख रही होंगी भाई साहब मछलियाँ इसमें, वो भाई मछलियाँ इसमें, तो बहुत सारी है, बहुत सारी सब बैठ के अभी। ओए होए होए दिख रही है भाई तुम्हें, दिख ही रही होंगी। हाँ दिख रही है भाई मेरे को, तो दिख रही है कैमरे में भाई, तेरे मछली नहीं दिख रही? देख ये बड़ा पत्थर है, देख। हाँ देख सामने देख, अब प्रियंका आराम से खाएंगी थोड़ी, ये खाती है क्या मछली भाई? ये लोग इन्होंने गड़बड़ कर दी यार, मेरा वो तो लेके आए हैं क्या बोलते हैं ट्राइपॉड लाए हैं, और उसका जो ऊपर का माउंट होता है इसमें फोन अटैच करते हैं, बट वो नहीं लेके आया यार ये लोग। कोई नहीं, अब देखते हैं कैसे वीडियो बनाऊंगा। तो अंडरवियर कर पहनो ना, मैं तो उतार रहा हूँ सब कुछ। अब भाई हट जाओ भाई, मिलता हूँ तुम्हें अंदर, रुक के मार के टिक के आऊँ।
सांस फूल गई है उतना सा चढ़ने में हालत खराब हो गई। और भाई नहा लिया है अब चल रहे हैं। रास्ते में देखो यार कुछ हो गया है। कुछ क्या हो गया, ट्रक पलट गया साफ सीधे। अभी पलटा कैसे वो हमें भी नहीं पता। टायर टूट गया उसके, कुछ तो हो गया। ये कह रहे उसने धके लिया, पागल है क्या? जेसीबी उसको उठाने आई है। जेसीबी लेके आए दोबारा से। ये उसको उठाने आई है। मेरी बहन कह रही है उसने उसको ढकेल दिया। ओ भाई कोई नहीं भाई, और हम निकल गए से। और हमने भाई लगा दी इधर बढ़िया करके। ये देख न्यू डिजाइन ले पूजा, न्यू डिजाइन देख। और कोई आइटम भाई, श्रीनगर में हमारा स्वागत हो रहा है। वेलकम टू श्रीनगर। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ये दूसरा। चाचा घर से कॉल है भाई, उत्तराखंड वाला। डीजे प्ले द सॉन्ग। चलो भाई अब हमें गाने सुनने दो वरना कॉपीराइट आ जाएगा। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा। तो भाई ये है माता धारी जी। क्या कौन सा मंदिर है ये? माता धारी देवी जी का मंदिर। वो है माँ धारी देवी का मंदिर, देख लो भाई। मैंने बरसाना बिल्कुल पानी के बीच में एकदम। भाई सोचो कैसे बनाया होगा ये मंदिर। अभी इसकी स्टोरी हम वहाँ से आके गाड़ी में बैठेंगे ना तब बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा साउंड का इशू होगा। गाड़ी में बैठेंगे तब बताएंगे। बाकी अभी तुम्हें दर्शन कराते हैं, शायद फ़ोन तो अलाउड होगा नहीं अंदर। बाकी जैसा भी होता है दिखाते हैं नीचे जाके। भाई शायद बोटिंग वगैरह भी है। वैसे क्योंकि इतना प्यारा लग रहा है मंदिर। भाई इस मंदिर की भी स्टोरी थोड़ी अलग ही है, वो बताएंगे गाड़ी में बैठ के। अभी थोड़ी हवा की साउंड भी आ रही होगी तुम लोगों को। मंदिर बड़ा प्यारा बना रखा है इसको। मंदिर एक नंबर है भाई, ज्यादा लंबी लाइन भी नहीं है। दिल भी सजा आई सजना जी तेनो वहां विच भर लूं मैं होना कभी मुझे सजना। भाई हम लोग आ गए हैं दर्शन करके अंदर से। नाव रोहित भाई और मैं और मेरी बहन और बंटी चाचा गए हुए हैं। वो हमसे थोड़ा पीछे रह गए थे, शायद वो चप्पल वगैरह उतारने गए थे। हमने भी पता नहीं कहाँ उतारी चप्पल। तो हमने टंकी के पास, ये आली टंकी आपको नजर आ रही होगी थोड़ी थोड़ी थोड़ी। इसके पास हमारी चप्पलें हैं। हाँ और कुछ चोरी हो भी सकती है तो कुछ नहीं कह सकते इसमें। और कुछ सर, और कुछ काम करके मंदिर में दर्शन करने आए तो छूट अच्छे कपड़े पहन के आए तरीके वाले, मंदिर को मंदिर ही समझे। अपने अपने माता पिता का धरना समझे। यहाँ पे खड़े होके ना ऐसा फील हो रहा है कि एसी भी कुछ नहीं होता भाई। देख लो भाई बाहर ना एकदम कैडी वाली धूप हो रही है, ठीक है, और यहाँ इतनी ठंडी हवा आ रही है। एसी फेल, एसी का 24 डिग्री होगा, है ना। तुम लोगों को स्टोरी मैं होटल पे जाके बताऊंगा। अब बद्रीनाथ जब गाड़ी लगाएंगे होटल पे जाके बताऊंगा स्टोरी। अभी यहाँ सबको लग रही है भूख, सबके हो रहे दिमाग खराब, गर्मी हो रही है, ठीक है। इनका ज़्यादा के दांत में दर्द हो रहा है यहाँ पे। तो अभी अभी मेडिसिन खाई है तो थोड़ा ठीक होगा तब बताएंगे, ठीक है। पेन किलर ले रहे हो? ले ली भाई, ले ली पेन किलर। दो तरीके की पेन किलर लिए, एक लाइट लिए, वैसे ही तुम्हारे लिए लाइट लिए। मेरे लिए क्यों लिए? डॉक्टर नहीं था क्या, दवाई ले ले। तो चलिए भैया जी आपको पहले यहाँ की स्टोरी सुना देते हैं। माँ धारी देवी जी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीच में स्थित है और यह मंदिर काली माता जी को समर्पित है। इस मंदिर में माँ देवी की मूर्ति का ऊपरी भाग अर्थात सिर है एवं मूर्ति का निचला भाग अर्थात धड़ कालीमठ में स्थित माँ मिठाणा के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें लोक मान्यता की तो इसके पीछे एक प्रचलित कहानी है कि माँ धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माँ धारी देवी अपने भाइयों से अत्यधिक
प्रेम करती थी तथा हर प्रकार से उनकी सेवा करती थी। अगर मैं आपको बताऊं ये कहानी तब की है जब माता धारी देवी 7 साल की थी। एक दिन माँ धारी देवी के भाइयों को पता चला कि उनकी इकलौती बहन माँ धारी देवी के ग्रह नक्षत्र उनके लिए ठीक नहीं है, तो यह सभी उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे। वैसे भी माँ धारी देवी के 7 भाई उनसे बचपन से नफरत करा करते थे क्योंकि उनका बचपन से ही रंग सांवला था, परंतु माँ धारी देवी अपने भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी क्योंकि उनके माता पिता की जल्दी मृत्यु होने के कारण उनका पालन पोषण उनके भाइयों ने ही करा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनके 7 भाई उनसे और ज़्यादा नफरत करने लगे। एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की एक साथ मृत्यु हो गई और केवल 2 भाई ही शादीशुदा बचे। फिर इन दोनों भाइयों की ही परेशानी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी, तो इन दोनों भाइयों को भी ऐसा लगने लगा कि हमारे 5 भाइयों की मौत का कारण मेरी बहन तो नहीं, क्योंकि उन दोनों भाइयों को भी पता था कि उनकी बहन के ग्रह नक्षत्र उनके लिए खराब है। और फिर उन दोनों भाइयों को भी यह डर सताने लगा कि हमारे 5 भाई जैसे मरे हैं वैसे हमारी भी मौत ना हो जाए। यह डर उनको बहुत ज्यादा ही सताने लगा था, तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना अपनी बहन को मार दिया जाए। दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों से पूछा तो उनकी पत्नियां भी इसमें राजी थी कि इनको मार देना चाहिए वरना हमारे घर में कलेश और दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। फिर जब धारी देवी माँ 13 साल की हुई तो दोनों भाइयों ने मिलकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया और इनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट से प्रभावित कर दिया, अर्थ नदी में डाल दिया। माँ का सर फिर पानी में तैरते तैरते कलेश छोड़ के धारी नामक गांव में आ पहुंचा। अगले दिन सुबह सुबह नदी के किनारे एक व्यक्ति कपड़े धो रहा था, उनको वह कन्या दिखी तो उन्होंने यह सोचा कि चलो मैं इसको बचा लेता हूँ, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा ही तेज था और उनको यह भय था कि अगर मैं पानी में गया और कन्या को बचाने के चक्कर में मैं ही ना बह जाऊं। उनको यह भय मारे ही जा रहा था तो उन्होंने सोचा कि मैं कन्या को नहीं बचाऊंगा। फिर अचानक से ही नदी में से जो कटा हुआ सर बह रहा था उसमें से आवाज आई। वह आवाज यह थी कि तू घबरा मत, बस मुझे बचा और मैं तेरे को विश्वास दिलाती कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा वहाँ अपने आप सीढ़ियाँ बन जाएंगी। और कहा जाता है कि आज से जब कुछ समय पहले नदी का फ्लो कम था तब ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। जैसे ही व्यक्ति नदी में उस कन्या को बचाने गया तो असलियत में एक चमत्कार हुआ कि जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने पैर रखे वहाँ वहाँ अपने आप ही सीढ़ियों का निर्माण होता गया। जैसे ही व्यक्ति ने वो कटा हुआ सर उठाया वो बहुत ज्यादा ही घबरा गया क्योंकि वह जिसे कन्या समझ रहा था वो बस एक कटा हुआ सर था। तभी उस कटे हुए सर में से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में से हूँ, बस तू मुझे एक सुंदर पवित्र स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। तो उस व्यक्ति ने भी वही करा क्योंकि उसके लिए भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि कटा हुआ सर बोले, आवाज दे, उसके लिए सीढ़ियां बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। ये सब देखकर वो व्यक्ति समझ ही गया था कि ये कोई देवी है। फिर जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सर को एक पत्थर पर स्थापित कर दिया तो उस पत्थर ने अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा कि मैं एक कन्या थी वगैरह वगैरह सब कुछ उन्होंने बता दिया। उस कटे हुए सर ने अपनी सारी कहानी बताकर एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। फिर तब से ही उनकी पूजा अर्चना होने लगी और फिर वहीं पर ही धारी देवी का मंदिर बना दिया गया। और जो कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वो रुद्रप्रयाग के कालीमठ में स्थित है। धारी देवी टेम्पल का एक और रहस्य है जो कि यहाँ के लोगों का भी मानना है कि माँ धारी देवी दिन में 3 बार रूप बदलती है। प्रातः काल एक छोटी बच्ची के रूप में, दोपहर में युवती बनती है तथा शाम के समय वृद्ध का रूप लेती है। लोगों का मानना है कि रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर में जो भीषण बाढ़ आई थी 2013 में जिसने मौत का तांडव रचा और सब कुछ तहस नहस कर दिया बस केदारनाथ मंदिर को छोड़कर, लोगों का मानना यह है कि यह सब माँ धारी देवी के क्रोध से हुआ था। कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश के अनुसार जब 303 वाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया तो माँ को अत्यंत क्रोध आया जिससे कि केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया। श्रद्धालुओं और वहाँ के लोकल बंदों से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि आपदा आने के 2 घंटे पूर्व मौसम एकदम सामान्य था। स्थानीय लोगों का मानना है कि एक स्थानीय राजा ने 1882 में भी माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश करी थी और तब भी ऐसा केदारनाथ में भूस्खलन देखने को मिला था। वहाँ के पुजारियों के अनुसार माँ धारी देवी की प्रतिमा वहाँ पर द्वापर युग से है एवं कहा जाता है कि काली मठ में व कालीशिय मठों में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में और धारी देवी मंदिर में माँ काली की प्रतिमा सामान्य मुद्रा में। तो भैया जी वहाँ की स्टोरी मेरे को इतनी ही पता थी, अगर आपको कुछ ज्यादा पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना और मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। बाकी वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं। आपने वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।